वहीं राजधानी लखनऊ में होली के त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस बार पुलिस ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि लखनऊ में 3500 स्थानों पर आज होलिका दहन का कार्यक्रम है। वहीं 9 स्थानों पर शोभा यात्रा निकलेगी तो वहीं 10 जगहों पर मेले का भी कार्यक्रम है। इसको लेकर 10 कंपनी और PAC के 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स राजधानी में तैनात रहेंगे। लखनऊ से संवाददाता रेहान की रिपोर्ट। कल दिनांक 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ पूरे जनपद में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से करीब 3500 स्थानों पर होलिका दहन का कार्यक्रम होता है। इसके साथ ही 9 शोभा यात्राएं और 10 मेलों का आयोजन होता है। 3 बड़ी शोभा यात्राएं जो कि थाना क्षेत्र चौक और सादतगंज से निकाली जाती हैं। इसके साथ ही इन शोभा यात्राओं के दृष्टिगत और अन्य प्रबंधन के दृष्टिगत थाना क्षेत्र चौक में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग शामिल है, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, ये सभी विभागों के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी आकस्मिक की स्थिति को संभाला जा सके।